गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर स्टैक एंड क्यूब के बेसिक ऑपरेशन है। हमारे क्यूब के अंदर हमने क्यूब के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरह से पीक आपके एंड इंसर्शन एंड डिलीशन किस तरह से होता है क्यूब के अंदर। स्टैक की तुलना में क्यूब के दो एंड्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अब बढ़ते हैं हमारे बेसिक ऑपरेशन। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीक। पीक किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम एक फंक्शन लेते हैं इंटीजर पीक पर, एक फंक्शन दिया है जिसके अंदर हमें कोई सा भी आपको इंसर्ट नहीं कर सकना पड़ता डाटा आपको, क्योंकि ये आपको क्या है रिटर्न करता है एक वैल्यू। तो आप वैल्यू रिटर्न कौन सी करेगा, पीक के जो फ्रंट के अंदर है आपकी क्यू होती है जिसके अंदर दो है, एक तो रियर है और एक ही आपका ये फ्रंट है। ये जो होता है फर्स्ट वाला जो आपका है फ्रंट, ये जो फ्रंट होता है इसके अंदर अगर आपने जो वैल्यू दे रखी है वो आपको रिटर्न करके इस फंक्शन के अंदर आपको देता है। रियर से तो हम इंसर्ट करते हैं और इस तरह से आपको डिलीट करते हैं या फिर आपको एक्सेस करते हैं फर्स्ट एलिमेंट। ये हमेशा टॉप ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हमारे पास है लाइक सवाइज ऑपरेशन है। इसको के बारे में आपने स्टैक में पढ़ रखा है, क्योंकि बारे में मैंने ओवरव्यू दिया था पिछले लेक्चर में। क्यों का मुझे लिखा कि इसको जब हमारा क्यू हमारी पूरी फुल होगी तो कंडीशन कैसे तरह से चेक करी जाएगी, उसे एक फंक्शन स्टार्ट किया। मेरा फंक्शन स्टार्ट करने के बाद इसमें एक कंडीशन लगाई है जिसको चेक किया गया है रियर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन। सिंगल इक्वल्स टू वन का ना सिंगल इक्वल्स टू लगाने का मतलब है आपको कोई वैल्यू असाइन करता है। सिंगल इक्वल्स टू का मतलब है आपकी जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करता है। ये डबल इक्वल्स टू हमारे कंपैरिजन के लिए, अगर हमारा जो रियर है ये हमारा रियर है और ये हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम साइज हमारे पास जीरो वन टू थ्री ये है और ये हमारे पास फोर, हमारे पास मैक्सिमम साइज है फोर माइनस वन कितना थ्री हो गया। तो अगर हमारे रियर इस थ्री को पॉइंट कर रही है, रियर भी यहाँ पर है और मैक्सिमम माइनस वन भी हमारे पास अगर क्या है थ्री है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब हमारे पास कि हमारी कंडीशन क्या है फुल है। कंडीशन फुल होने से वो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि आपकी इस फुल और इस एम्प्टी आपकी दो ऐसी कंडीशन है जो आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि आपकी ये क्या है आपकी फुल हो गई है, आप इसके अंदर स्टोर करवा रखी है वैल्यू। ठीक है, आपके स्टोर करवाने के बाद उसको वैल्यू ट्रू कर दी। अगर ऐसा होता कि ये रियल यहां ना होके रियल आपके अगर वन होता इसके अंदर इसके ऊपर पॉइंट कर रहा होता, अगर इसको पॉइंट कर रहा होता तो ये वन से इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, वन इंडेक्स पॉइंट कर रहा तो रियल हमारे को क्या होती है वन, वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू एक्स माइनस वन क्या होता थ्री, वन इक्वल्स टू थ्री है क्या नहीं है, तो ये वाला क्या है एज वाला कंडीशन में आएगा रिटर्न करना फॉल्स। और रिटर्न करना फॉल्स का मतलब है हमारे क्यू क्या है फुल नहीं है, फॉल्स ट्रू होने पर फॉल्स जैसे हमें रिटर्न करेगा। और ये चेक कर दिया इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं, पता पड़ेगा कि वो फुल नहीं है तो हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट एंड क्यू कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं रियर से। नेक्स्ट हमारे पास इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्टी, इस एम्प्टी के हमारे पास की हमारा जो भी क्यू है वो एम्प्टी है कि नहीं है वो हमें चेक करना है। किस तरह से चेक करेंगे, हमने एक एम्प्टी का फंक्शन बनाया है चेक करेंगे हमारे पास, ये हमारे पास हमेशा लीनियर में होती है लीनियर में। और अगर जब हमारे सर्कुलर इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम है। ठीक है, इसी तरह इस एम्प्टी के अंदर भी क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट है जो हमारा फ्रंट है अगर लेस देन माइनस सॉरी जीरो है जीरो वन टू थ्री। ठीक है, अगर मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो फ्रंट है वो जीरो से कम है, जीरो से कम होने के मतलब माइनस वन आएगा, अगर माइनस वन है तो मतलब हमारे पास क्यू को इनिशियलाइज नहीं किया गया है, हमारे पास इसके अंदर क्या है ये खाली है रिटर्न हमारे पास क्या है तो जीरो में कुछ है नहीं, जीरो से पहले हमारा अगर यहाँ फ्रंट है तो यहाँ कुछ माइनस वन की इस तरफ है, अगर यहाँ माइनस वन की इस तरफ इसका फ्रंट है तो ये वाली क्या है आपकी क्यू खाली है। या फिर और ये वाला साइन कौन सा होता है, और का साइन होता है डबल स्लैश और का साइन है और एंड का साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो एंड का साइन में एक कंपल्सन होता है कि ये वाली फर्स्ट कंडीशन और सेकंड वाली कंडीशन दोनों ही ट्रू होनी चाहिए और में क्या है या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, तो
रिटर्न करने के बाद हमें पता पड़ेगा कि वो खाली है तो हम उसके क्या क्या एंट्री कर सकते हैं, और एल्स अगर रिटर्न फॉल्स करता है अगर हमारे पास ये सारी भरी हुई है, ये पूरा भरा हुआ है हमारे पास क्यों भरी हुई है, तो क्यों भरने के बाद लिखेगा फ्रंट ग्रेटर है हमारे पास, फ्रंट अगर हमारे पास जब ग्रेटर होगा रियर से, मतलब हमारे पास क्या था यहाँ से हम फ्रंट से निकाल रहे हैं इसको, इसको हमने एन क्यू डी क्यू पढ़े, इसको डी क्यू पढ़े, इसको डी क्यू पढ़े, इसको डी क्यू पढ़ा, रियर का हमारा ये पॉइंट आउट है, ठीक है। जैसे हमने इसको लास्ट एलिमेंट को हमने डिलीट किया मतलब फ्रंट करा, तो फ्रंट की जो वैल्यू है हमारे जो इंक्रीमेंट हो जाएगी तो क्या है रियर से ज्यादा हो जाएगी, रियर से जैसे ही ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब हमारे पास क्या है हमारी जो डी क्यू है वो खाली हो गई है, ठीक है। तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा, एल्स फॉल्स, तो ठीक है। ये हमारे तीन ऑपरेशन है, ई यूजफुल और एम्प्टी, ये हमारे बेसिक ऑपरेशन है तीन तो, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टेस्ट करते हैं, एन क्यू और डी क्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एन क्यू और डी क्यू पढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन क्यू, एन क्यू मतलब हमारा इंसर्शन, एम क्यू मतलब हमारे पास क्या है इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन के बारे में मतलब हम किसी चीज को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कहां से करते हैं हमारे रियर पॉइंट से, हम मानते हैं कि हमारा क्यूब है हमारे पास फोर, जीरो वन टू थ्री फोर हमारे पास मैक्सिमम साइज है उसका, कि मान लीजिए हम सही क्योंकि फोर मैक्सिमम साइज है, तो हमारा क्या है एल क्यूब, मतलब सेकंड एल क्यूब डालने के लिए हमारे रियर के अंदर से अगर हम मानते हैं कि रियर है और ये आपका फ्रंट है, ठीक है, तो आपको रियर के अंदर चेक करने के लिए वेलकम हमने एक फंक्शन दिया है एन क्यू का, ये इसमें इंटीजर डाटा डाटा नाम का मैंने डाटा टाइप दिया है इंटीजर नाम का, ठीक है। एक फिर मैंने चेक करी कंडीशन, अगर मुझे एन क्यू करना है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि मुझे क्यू के अंदर इंसर्ट करवाना है कोई एलिमेंट वो फुल है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने चेक करा इफ इज फुल, फुल कंडीशन मैंने चेक कर करी, फिर उसके बाद रिटर्न जीरो, जीरो और वन आपको पता है ट्रू और फॉल्स, रिटर्न फॉल्स अगर फुल नहीं है तो रिटर्न करेगा मतलब फॉल्स है हमारे पास, ठीक है। तो फॉल्स कंडीशन है हमारे पास, ये क्या आएगा हमारे पास फॉल्स देगा मतलब फुल नहीं है, फुल नहीं है तो मैं उसके एन क्यू कर सकती हूँ, तो मैं अपने एलिमेंट्स जानने के लिए क्या करूंगी रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस वन, अगर मैं मान लेती हूँ हमारे पास रियर क्या है अभी फिलहाल के लिए हमारे पास रियर है ये जीरो एलिमेंट सॉरी पहले माइनस वन होता है हमारे पास स्टार्टिंग में, तो ये रियर है, ठीक है। तो रियर क्या करोगे रियर रियर टू रियर प्लस वन, तो हमारे पास क्या आएगा अभी रियर कितना है जीरो, जीरो प्लस वन वन आएगी, तो रियर की वैल्यू का इंसर्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू का है इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी क्योंकि इक्वल्स टू एक साइड है, ठीक है। तो रियर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, सॉरी माइनस वन है और अब क्या है प्लस वन किया था हमारे पास इंडेक्स क्या आएगी जीरो, जीरो इंडेक्स आ गई, फर्स्ट इंडेक्स में पहुंच गए, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स क्या है फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास क्या है जीरो, तो रियल जीरो क्यू यहाँ पे क्या है क्यू की वैल्यू क्या है क्यू जीरो डाटा डाटा हमने जो दिया है जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करवाना, मान लीजिए मुझे इंसर्ट करवाना है यहाँ पे फाइव इंसर्ट करवाना था ये फाइव, ठीक है। यहाँ पे फाइव कर यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो रिटर्न आपके एंड प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस फुल हमारी कंडीशन चेक करते हैं और वो फर्स्ट की जगह टू होती वन होती तो क्या होती ये कंडीशन क्या है इस फुल हमारे पास कंडीशन अगर हमारे पास क्या है अपनी क्यू है हमारे फुल है और हम इंसर्ट नहीं कर पाते प्रोसीजर एंड हो जाता, ये एल्स कंडीशन के अंदर है, ठीक है। वापस से जब हम इसी प्रोसीजर को वापस से चेक करेंगे आप एक बार एलिमेंट्स इंसर्ट किस तरह से होता देखो वापस से वो चेक करेगा, वापस चेक करने के बाद हमारे पास क्या है रिटर्न जीरो फॉल्स है हमारे पास क्योंकि हमारे पास फुल नहीं हो रहा है, तो रियल जीरो टू रियल प्लस वन हमारे कंडीशन में रियल कितना है जीरो, जीरो प्लस वन कितना होता है जीरो प्लस वन वन, अब रियल की वैल्यू क्या आ गई है क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है वन है, वन हमारे पास कोई डाटा डालना है अगर मैं चाहती हूँ इसको टेन डालना तो टेन इसका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा एंड प्रोसीजर इसी तरह से आपके पूरा एन क्यू आपके पूरे फुल कंडीशन को चेक करेगा, एन क्यू करते करते आपको पूरी क्यू आपको फुल करेगा, फिर ट्वेल्व और थर्टी ऐसे डाला। अब नेक्स्ट हम जब चेक करेंगे कि हमारे पास की फुल है कि नहीं है इस फुल कंडीशन चेक करेंगे हम देखेंगे कि माइनस वन मैक्सिमम माइनस वन इस फुल कंडीशन
पास क्या है, थ्री इक्वल्स टू किया जाएगा तो रिटर्न हमारे पास इधर आपके फर्स्ट जाएगा, तो ये कंडीशन क्या हमारे पास हो जाएगी कि फुल है हमारे आगे क्यू, तो यहाँ पे वो क्या है आपको प्रोसीजर से बाहर निकल आएगा तो हमारे पास क्यू फुल हो गई है, इस तरह से हमारा एन क्यू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डी क्यू की, डी क्यू के अंदर क्या है, डी क्यू मतलब हमारे पास डिलीशन होता है, ठीक है। जब डिलीशन की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे पास पहले तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई एलिमेंट है कि नहीं है या फिर खाली है, खाली है तो उसमें डिलीट कुछ नहीं कर सकते, तो पहले उसने चेक करा है एक कंडीशन से इस एंट्री की लेस देन इक्वल्स टू और वाली कंडीशन फॉर ग्रेटर देन थ्री है, ये दोनों कंडीशन को चेक करके रिटर्न अगर हमारे पास जीरो पे फॉल्स है, अगर हमारे पास खाली नहीं है तो ठीक है, खाली नहीं है तो रिटर्न जीरो करेगा। तो हमारे पास इंटीजर डाटा क्या है, हमारे पास जो भी डाटा आया है तो हमारे पास एक क्यू भरी हुई है, ये वाली थी ना 5, 10, 12, 3, मतलब हमारे पास एक क्यू है 5, 10, 12, 13, 0, 1, 2, 3। अब हमारे पास क्या है इंटीजर डाटा इज इक्वल टू क्यू फ्रंट, क्यू का फ्रंट हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है इंसर्शन से ग्रेड चेक करते हैं, अब हमारे पास क्या है डिलीट कहाँ से होता है, हमारे पास फ्रंट से होता है, तो डाटा कहाँ चला जाएगा, डाटा के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास डाटा के अंदर क्या जाएगा क्यू का फ्रंट, क्यू का फ्रंट हमारे पास क्या है, क्यू का फ्रंट हमारे पास जीरो है, तो डाटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास क्यू का फ्रंट में क्या है हमारे पास 5, तो डाटा इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। और फ्रंट को क्या करना है फ्रंट इज़ इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, अब बस फ्रंट पर लिखे जीरो था 0 + 1 = 1, अब तो फ्रंट की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, तो ये फ्रंट यहां से अपना कंट्रोल छोड़ के यहाँ आ जाएगा, हमारे पास डाटा में क्या आएगी रिटर्न करेगा ना डाटा, तो रिटर्न में कौन सी वैल्यू आएगी 5 रिटर्न करेगी। इसी तरह से आपको है ना जितनी आप वैल्यूज लेना चाहते हैं डाटा टाइम पर 5 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आप कुछ डी क्यू करेंगे तो 12 फिर डाटा करेंगे तो फिर 12 फिर डाटा रिटर्न करेंगे तो आपके 30, ठीक है। इस तरह से आपके आपने डी क्यू बढ़ गया, फिर जब आप उसको चेक करेंगे इज एम्प्टी, अभी हमारे पास खाली हो गई है, चेक करेगा कि रिटर्न करे चेक करेगा कि क्या हमारे पास फ्रंट की जो वैल्यू है वो -1 -1 नहीं है, पर उसके अलावा एक और एक कंडीशन थी हमारे पास और करके एक और कंडीशन थी जब हमारा फ्रंट ग्रेटर देन ग्रेटर हो जाएगा, अब हमारे पास क्या ये फ्रंट कहाँ हो जाएगा, ये था पहले इसको डिलीट करने वाला फ्रंट क्या है एक आगे हो जाएगा, तो क्या जाएगा फ्रंट हमारे पास क्या जाएगा 4 हो जाएगा, जैसे फ्रंट 4 है मतलब रियर क्या है हमारे पास रियर लास्ट चलेगी, तो ये रियर 3 है तो 4 > 3 है, ये वाली कंडीशन जैसे ही प्रूव होगी हमारा जो कंट्रोल है इस प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे क्यूब के अंदर वो सब डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एन क्यू और डी क्यूब है, इसमें ये कंडीशन है कि जब हमने डी क्यू कर दिया तो ये वाली वैल्यू खाली है, अगर मैं इसमें वापस कुछ इंसर्ट कराना चाहती तो इंसर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो हमेशा फुल बताएगा, क्योंकि इसके लिए ये सब चीजें क्या है डिलीट हो गई है, डिलीट हो गई है पर फिर भी हम इसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, जिसमें मैंने ड्रॉबैक बताया था ये क्यूब का जिसको हमने किससे डिफाइन सॉल्व किया था एक सर्कुलर क्यूब से, तो सर्कुलर क्यूब के बारे में मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से होता है, छोटा सा क्यूब बताती हूँ कि किस तरह से होता है, आपकी बुक में नहीं दिया था पर थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। यस, तो हम हमारे सर्कुलर क्यूब के बारे में कुछ ओवरव्यू देख रहे थे, जो सर्कुलर क्यूब में क्या होता है कि आपकी जो ड्रॉबैक था क्यू का वो आपको इसमें सॉल्व होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक क्यू ली है मैंने 4 साइजेस के मैक्सिमम, ठीक है मैंने 8 और दोनों को इंटीजर वैल्यू ली है, रियर और फ्रंट आपकी रियर है और फ्रंट दोनों क्या है अभी क्या है हमारे पास -1 को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। हमारे पास वॉइड एन क्यू, जब हमारे पास वॉइड मेन के अंदर जैसे मैंने एन क्यू वाले फंक्शन को इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे क्या है हमारा फंक्शन डी वाला कॉल हुआ वहां से वॉइड में से स्टार्ट हुआ, एन क्यू वाला फंक्शन इस तरह से कॉल हुआ तो वो चेक करेगा इसके अंदर इंटीजर जो वैल्यू दे रखी है टू के लिए, इफ चेक करेगा फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1, अगर आपका फ्रंट और रियर -1 है, ठीक है क्योंकि एंड लगा हुआ है इसलिए दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो हमारे पास दोनों -1 है। अब
इसकी रियर और फ्रंट दोनों जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्यों रियर, क्योंकि अंदर जो रियर है हमारे पास, क्योंकि रियर क्या है हमारे पास जीरो, जीरो के टेक्स्ट पे हमारे पास एक्स वाली आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगी क्यू, जो जीरो पे इंडेक्स की हमारे पास है, हमने इस एक्स में, यहाँ रियर एक्स है, इस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास टू, इस टू को हम क्या यहाँ पर लेकर आएंगे, तो ये टू का इंसर्ट हो जाएगा, इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन चेक होगी, जब जो आपका फ्रंट हमारे पास रियर ये एड होने लग जाएगा, जब हमारा फुल वाली कंडीशन आएगी, फुल वाली कंडीशन आएगी तो मैं बताता हूँ। फिर ये रियर वाली कंडीशन, जब हमारे पास सब कुछ डिलीट करने के बाद ये हमारे पास ये आपके फंक्शन है, दो जो आपकी कंडीशन है ये बाद में चेक होगी, परंतु यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर आपको क्या एन क्यू तीन चार बार करने को मैंने क्या एन क्यू वापस से इस तरह से ये तीन चार बार और आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगी फोर, ये सिक्स, ये एट, इस तरह से आपकी एन क्यू हो गई। अब हम जब चेक करते हैं वापस से हमने क्या इंसर्ट करना चाहते हैं या वैल्यू इंसर्ट करना चाहेंगे, तो इंडेक्स को चेक करेगा, ये आपके नहीं है, ये वाली कंडीशन टू नहीं है, ये वाली कंडीशन टू नहीं है, इसके बाद में क्या करेगा आपको यहाँ पे देखिएगा, इफ रियल रियल हमारे पास क्या हमारे पास, अब रियल क्या आया हमारे पास, रियल हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, रियल यहाँ पर आ गया, क्योंकि रियल क्या होते हैं जहां से हमने इंसर्ट किया था, यहाँ से इंसर्ट करते हैं, तो ये वाली रियल आ गई। जब रियल प्लस वन मतलब थ्री प्लस वन मतलब फोर, थ्री प्लस वन का अंदर फोर, फोर मॉड्यूल लिखा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि हमारे पास डायरेक्ट इसको एक डी क्यू बढ़ने के बाद, जैसे ये मान लिया कि यहाँ पे डी क्यू बढ़ेगा, ये स्पेस खाली है, वापस मैं एन क्यू बढ़ती हूँ, अगर हमारे पास लीनियर एरे होता तो वो क्या है आपको फुल कंडीशन बता रहा था। फिर यहाँ पे चेक करेगा वो, ठीक है, यहाँ पे चेक करेगा कि रियल प्लस वन फोर है, मॉड्यूल फाइव हमारे पास टोटल कंडीशन क्या है हमारे पास फोर, हमारे पास टोटल मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो क्या हमारे फ्रंट के इक्वल है क्या, क्या हमारे पास जीरो आ रही है, तो ये तो यहाँ पे क्या आएगी इस टू कंडीशन आ जाएगी। और इसी तरह से जब हम चेक करेंगे, जब हमारे पास ये डी क्यू होने के बाद एक जगह खाली है, तो रियल इज इक्वल टू रियल प्लस वन, इस तरह से हम शो करेंगे रियल को किस तरह से एडजस्ट करेंगे उसकी इंडेक्स वैल्यू। अब हमारे पास रियल को क्या ले रहे हैं, रियल प्लस वन मतलब थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस फोर मॉडल फोर के पास जीरो, अब रियल की जो वैल्यू कहा है इंडेक्स, अब वापस से वो कहा इंडेक्स लेकर आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें एक डी क्यू बढ़ने के बाद क्या है ये जगह खाली हो गई, वैसे ही हमारे पास लॉजिकली इस तरह से इंक्रीमेंट हो रखा है जीरो वन टू टू थ्री, इस तरह से आपका इंडेक्स है। जैसे मैंने जीरो पे अपना पास जो था टू फोर सिक्स एट, आपका सर्कुलर व्यू इस तरह से है, जैसे ही मैंने टू को डी क्यू करा, यहां से डी क्यू वाले को लेकर आए, तो डी क्यू पे क्या है डिलीट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू के बाद हमारे पास जब रियल है तो हम इसको प्लस प्लस करेंगे तो क्या प्लस फोर आ जाएगा, प्लस फोर मतलब हमारे पास क्या मैक्सिमम से ज्यादा है वो लीनियर इक्वेशन में, और वो कंडीशन हमारे पास उसमें एल्गोरिथम में नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा उसको इंसर्ट नहीं करवा सकते, इस वैल्यू को वापस से हमारे इंडेक्स को थ्री से वापस जीरो से, वापस जीरो से किस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा मॉडल जीरो आएगी। तो अब ये जो रियल है वो किस पे डिकेट करेगा जीरो को, और जीरो पे डिकेट करने के बाद अब इसके अंदर क्यू क्या है क्यू रियल, अब क्यू रियल आ जाएगी वापस से, इसके अंदर हम अपना वैल्यू कुछ और स्टोर कर सकते हैं, जैसे सेवन आ गया तो ये सेवन इस तरफ से जाएगा, ये क्या होती है ये वाली कंडीशन तब चेक होगी जब हमारा ये क्यू फुल हो जाएगा, और फुल होने के बाद यहाँ पे फुल होने के बाद वापस हमारे इंडेक्स को मतलब हमारे रियल के कर्सर को वापस इधर लेकर आना होता है, इस कर्सर को इधर लेकर आना होता है, या फिर सर्कुलर क्यू में कहें कि थ्री के बाद वापस यहाँ पे क्या आएगा इंडेक्स जीरो आएगा, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन तब चेक होगी, ये वाली फुल के लिए बता दी। अब बात करते हैं डी क्यू में क्या होता है, रियल इज इक्वल टू फ्रंट, एक टर्म की पहली है रियल इज इक्वल टू फ्रंट, अगर हमारा रियल और फ्रंट दोनों ही सेम है तो इसका मतलब वो डी क्यू को प्रिंट करवा देगा और फ्रंट का रियल माइनस वन कर देगा, एज या फिर प्रिंट करेगा आपको प्रिंट एज क्यू का जो फ्रंट है, ये क्यू का जो फ्रंट होगा डी क्यू बनने के बाद क्या होता है ये फ्रंट आपको आपका आउटपुट में लिखाता है, और फिर उसको चेक
3 plus 1 मॉड्यूल मैक्सिमम तो 4 मॉड्यूल 4 तो ये क्या है 0। जैसे मैक्सिमम के बाद वो क्या है इंडेक्स का वापस से क्या लेगा 0 लेगा। इस तरह से हमारे जो फंक्शन है वो बार बार अपने आप को फंक्शन को रिकॉल करेगा। रिकर्जन जैसे आपको देखा था ये एंट्री वापस अपने आपको कॉल कर रहा है फिर वापस कॉल करता है फिर 6 के लिए कॉल कर रहा है फिर 8 के लिए कॉल कर रहा है वैसे ही डी क्यू भी ऐसे कॉल करेगा। एक कंडीशन होती है जब हमारे पास फ्रंट ज्यादा होता है रियर हमारे पास जैसे हमारे पास